Hello students, welcome to your online class of social science. Students, in our previous video we had already discussed about latitudes and the important lines of latitude, as we discussed that in our previous video. Yes, now we continue with next topic, that is हीट जोन्स. आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीट जोन्स. हीट जोन्स मीन टू से कि हमारा जो अर्थ है वो जब हीट रिसीव्स करती है, सन रेज की जो हीट होती है, सूरज की गर्मी होती है वो रिसीव्स करती है, उसके बेसिस पर हमारी अर्थ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द वन इज टॉरिड जोन, नेक्स्ट वन इज टेम्परेट जोन, देन आफ्टर फ्रीजिड जोन. ये तीन जोन्स में हम अपनी पूरी अर्थ को डिवाइड करते हैं. आइए चलिए अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस आवर टॉरिड जोन. स्टूडेंट्स लुक एट दिस वेरी केयरफुली. टॉरिड जोन, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. टॉरिड जोन मैंने आपको बताया था, बीच में जो लाइन है दैट इज आर यस इक्वेटर and angle of 0 degree. This is equator, जो हमारी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट 23.5 degree नॉर्थ एंड 23.5 degree साउथ. देर आर टू मोर लाइन्स लाइक दिस एंड this. These lines shows the Tropic of Cancer, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn. Yes students, this part receives maximum heat of the sun. हमारा sun किस तरह, किस side से उगता है? This side is eastern side and this is western side, east and west side. तो जब हमारा sun rise होता है वो east की तरफ से होता है, तो जब east से होता है तो this part from Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, I will shade this mark, this place like this. This part receives maximum amount of heat throughout the year. सबसे ज़्यादा हीट ये पार्ट हमारा रिसीव करता है, इतना हिस्सा, जिसकी वजह से ये हिस्सा पूरा साल थ्रू आउट द ईयर दिस एरिया ऑलवेज रिमेन्स हॉट. ये हमेशा गर्म रहता है ये एरिया, इस वजह से इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन. टॉरिड का मीनिंग भी यही है, हॉट. टॉरिड जोन. नेक्स्ट, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 66.5 degree नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं, तो यहाँ हमारा कौन सा सर्कल हमने मार्क किया था स्टूडेंट्स? डू यू रिमेम्बर? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल. एंड नेक्स्ट वन, जब हम यहाँ थे तो हमने कौन सा सर्कल मार्क किया था? दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, 66.5 degree साउथ. दिस एरिया फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल, दीज जोन्स आर नोन एज सेकेंड जोन, सेकेंड हीट जोन ऑफ आर अर्थ, दैट इज टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन, टेम्परेट मतलब जहाँ पर माइल्ड टेम्परेचर होता है, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, टेम्परेट जोन. यहाँ सनरेज डायरेक्ट नहीं होती हैं, सनरेज यहाँ पर थोड़ी स्लैंटिंग हो जाती हैं. यस लाइक दिस, यस टेम्परेट जोन. स्टूडेंट्स दिस इज आर सेकेंड जोन. नाउ फ्रीजिड जोन, फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, दिस जोन, यस
this zone, and from Antarctic Circle to South Pole, this zone. Both these zones are known as frigid zone. Frigid zone. Both these zones are known as frigid zone. इन दोनों zones को हम कहते हैं frigid. Frigid मतलब sun rays यहाँ तक जब हमारे temperate zone तक slanting है तो आगे पहुँच ही नहीं पाती हैं. या पहुँचती हैं तो बहुत कम पहुँचती हैं. ये एकदम सीधी यहाँ sun rays नहीं जाती हैं. जाती हैं तो बहुत कम जाती हैं. जिसके कारण यहाँ पूरा साल बर्फ जमी रहती है और इसको हम बोलते हैं frigid zone. यानी ये पूरी तरह से frigid होते हैं. फिर पूरी तरह से covered होते हैं ice और snow से ढके होते हैं. Yes students, these are our three zones: torrid zone, and the temperate zone, and the frigid zone. Next students, our next topic is longitudes. Yes, now we are studying about longitudes. Students, longitudes जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, long lines यानी लंबी लाइनें. Latitudes में मैंने आपको बताया था कि जब latitude lines वो lines होती हैं जो कि आप लेटी हुई लाइनें, जैसे आप लेटने की पोजीशन में होते हैं, सोने की पोजीशन में होते हैं, तो ये लाइनें लेटीट्यूड लाइंस होती हैं, लेटीट्यूड लाइंस होती हैं. उसी तरह से जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, खड़े हुए हो आप सीधे, तो ये लाइंस जो होती हैं, दीज लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स लाइंस. ये लॉन्गिट्यूड लाइंस भी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती हैं, लेटीट्यूड लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइंस आर वर्टिकल लाइंस, और इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. दीज आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. यस, अब आप देखिए जो मेन हमारे सबसे सेंटर में जो लाइन होती है जीरो डिग्री एंगल पर, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड. जैसे आपके इक्वेटर जो है आपके अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. लुक एट दिस स्टूडेंट्स, जैसे आपका इक्वेटर आपके अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ यानी कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर, ये जीरो डिग्री पर होता है. सेम एज इट इज जब आपकी अर्थ को प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल सेंटर में एक्सटेंडिंग लाइन हम लगाते हैं, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, दिस लाइन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन, यस स्टूडेंट्स, ये भी जीरो डिग्री पर होता है. और आप देखिए ये भी आपकी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. दिस वन इज, यस, दिस साइड इज ईस्ट साइड एंड दिस इज योर वेस्ट साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यानी जो आपका प्राइम मेरिडियन है उसने आपकी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्ट की तरफ जब हम चलते हैं तो उसको प्लस के साइन में शो करते हैं, और जब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो उसको हम माइनस के साइन में शो करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स हाउ मैनी, अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ मैनी आर दीज लाइन्स. लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स जॉइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल लाइक दिस फ्रॉम बोथ साइड्स. यस, लुक एट दिस. और ये जितने भी लाइन्स हम लगाते हैं ये सभी के सभी वन डिग्री इंटरवल पर होती हैं. वन डिग्री इंटरवल, हाउ मैनी, यस वन डिग्री. एंड हाउ मैनी आर दीज इन नंबर्स, और ये नंबर्स में कितनी होती हैं. अब आप देखिए यहाँ से वेस्ट से लेकर के इस पोर्शन तक पूरा सर्कल, ये लाइंस जो है आपका पूरा का ये सेमी सर्कल में होती है, फुल सर्कल नहीं लगाती. जैसे आपकी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो चारों तरफ से आपकी पृथ्वी को घेरती हैं, ऑल अराउंड होती हैं उसी, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती हैं वो चारों तरफ नहीं होती हैं, वो सेमी सर्कुलर में होती है, सेमी सर्कल क्रिएट करती हैं. और ये लाइंस जो होती हैं 180 होती हैं. दीज आर 180 एंड 180 फ्रॉम द वेस्ट साइड एंड 180 टू द प्राइम मेरिडियन एंड 180 फ्रॉम टू द ईस्टर्न साइड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन. यानी टोटल ये नंबर ऑफ दीज लाइंस आर 360. ये नंबर में कितनी होती हैं, 360 होती हैं. यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट आर द यूज ऑफ दीज लाइंस. अब आपने देखा होगा लैटिट्यूड जो लाइंस हैं आपकी वो आपकी हीट जोन्स को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है. और लेकिन उसी तरह से प्राइम मेरिडियन जो लाइंस हैं, जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, वो भी आपकी किसी तरह से हेल्प करती हैं. ये भी आपके प्लसेस और डायरेक्शंस को, चीज़ों को, जगह को, किसी भी जगह को, कंट्रीज़ को लोकेट करने में हेल्प करती हैं. सेकंड थिंग, ये आपका टाइम, जैसे एक देश या दूसरे देश में टाइम डिफरेंस होता है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करती हैं. आपके इंडिया में भी आप देखिए कि एक जगह से दूसरी जगह में काफ़ी टाइम, राजस्थान की आप देखो राजस्थान साइड में, और आप दूसरी तरफ चले जाओ असम मेघालय की साइड, दोनों टाइम में, दोनों तरफ के टाइम में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों में अलग अलग
टाइम होता है, 2 से 2.5 घंटे का फर्क होता है वहां पर भी। उसी तरह से एक देश से दूसरे देश में भी टाइम का काफी डिफरेंस होता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है, जो आपको लॉन्गिट्यूड लाइंस है, ये आपको हेल्प करती हैं टाइम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज ग्रिड स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, हमने इक्वेटर्स के साथ लाइन्स लगाई थी, दीज आर लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड लाइन्स। ये स्टूडेंट्स, अब ये देखिए क्या बन गया, ये एक वेब बन गया, जाल जाल बन गया। और ये जो वेब होता है, इसे हम कहते हैं ग्रिड। अब आप देखिए, कोई कंट्री है इस एरिया में, अब आपको पता होना चाहिए, अब प्राइम मेरिडियन और लेटिट्यूड, जो आपके सॉरी लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स हैं, दोनों मिल करके आपको बॉक्सेस बन गए यहाँ छोटे छोटे। अब आप देखिए इस वाले डायग्राम में, देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए। ये जो बॉक्सेस हैं, ये आपको हेल्प करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कितने, कौन कौन सी सिटी हैं, कंट्रीज हैं, यहाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ कौन 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 सी कंट्रीज आती हैं। हर कंट्री, हर एक बॉक्स के अंदर हर एक डायरेक्शन, लोकेशन, हर चीज़ आपको मिलेगी, बताएंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में, हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप देखिए ग्रिड की, ग्रिड बन गया है, ग्रिड की वजह से आपको लोकेट करने में और ज़्यादा आसानी हो गई चीज़ों को। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।